हेलो बच्चों, हेलो मैम। कहानी सुनोगे? यस मैम। कौन सी वाली? राजा वाली सुनाओ कहानी। यस मैम। भाई एक राजा थे, तो उनके राज्य में प्रजा बड़ी खुश थी, बहुत सब बढ़िया धनवान थे राजा, सबको खूब खिलाते पिलाते थे, हैं? तो उन्हीं के यहाँ पे एक गरीब परिवार रहता था, मतलब परिवार था, उसमें दो बच्चे थे और उनके मम्मी पापा दोनों चारों लोग रहते थे दो बच्चों के साथ में। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो जो मतलब जो उनके मम्मी पापा थे वो खेत में अपनी खेती कर रहे थे, तो खेत की खुदाई कर रहे थे कोने पे, उनको एक इतना छोटा सा पत्थर मिला। उस पत्थर को वो अपने घर ले आए, वो अच्छा लग रहा था, बच्चे खेल रहे थे, बोले पापा देखो ये बढ़िया सा पत्थर मिला है। तो पत्थर लेके अपने घर आए, तो घर पे जो उनकी मम्मी थी तो उन्होंने पत्थर को एक जगह ऐसे रख दिया तवे पे। तो थोड़ी देर के बाद जब उनको रोटी बनाने की जरूरत पड़ी, तवा उठाने के लिए गई, तो देखा क्या, वो पत्थर जो है वो सोने का, मतलब वो तवा सोने का हो गया जिसपे पत्थर रखा था। तो सोचने लगी, अरे ये पत्थर तो क्या पारसमणि है क्या? तो बड़ा सोचने लगी, तो उन्होंने बुलाया, अरे भाई देखिए ये क्या है, देखिए क्या है। तो दोनों बच्चे गए, जो राजू राधा दो बच्चे थे वो दोनों गए वहाँ पे, देखा कि मम्मी बुला रही है, बोला पापा आओ यहाँ देखो मम्मी बुला रही है। तो देखा, कहा कि हाँ सच में ये तो तवा सोने का हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसी पत्थर को किसी और लोहे की वस्तु पे छुआया, लोहे की जो है चिमटा होता है, लोहे की कढ़ाई होती है किचन में, तो गए उसको कढ़ाई को ऐसे छुआया, वो भी सोने की हो गई। किसी भी चीज को वो छुआते, लोहे की हो या कैसी भी, वो सोने की हो जाती थी। वो पत्थर कहे, हाँ सच्ची में ये पारसमणि है, इसको जो है किसी चीज से छुआएंगे तो वो हो जाएगा। तो उन्होंने जो है चुपचाप छुपा के रख दिया, क्योंकि अगर कोई भी छू लेता तो पत्थर का हो जाता, कहता कि उसको छू लो और बस पत्थर का हो, मतलब जो है वो सोने का हो जाता, कोई वो ऐसा बढ़िया पत्थर था है बच्चों। फिर ऐसे सुनते सुनते वो बच्चे भी इधर उधर बताने लगे कि मेरे यहाँ पापा को जो है एक पत्थर मिला है, उससे जो कुछ भी छुआ दो तो वो सोने का हो जाता है। तो उड़ते उड़ते वो बात पता कहाँ पहुंची, वो पहुंची महाराज जी के पास। महाराज जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है, वो पत्थर छूने से सोना बन जाते हैं, तो ऐसा करते वो पत्थर भाई हमारे पास होना चाहिए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा ना, जो उनके नौकर थे वो लेकर वहां गए, भाई कारिंदे उनके पहुंचे जाकर के उनके पास में, कहने लगे ऐसा है, चलो तुमको जो है हमारे राजा साहब ने बुलाया है। वो भाई वहां गए वहां पे और भाई पेश हुए राजा के सामने। तो उन नौकरों ने पेश किया, तो राजा ने पूछा क्या तुम्हारे पास कौन सा पत्थर है दिखाओ। तो भाई वो जो किसान था वो डर गया, उसने क्या किया, वो पत्थर दिखा दिया। तो राजा ने कहा कि ये अमूल्य वस्तु है, इसको राजा के पास होना चाहिए। राजा बहुत लालची था, उसने जो है क्या किया, पत्थर उससे ले लिया और उसको वापस भेज दिया, कहा तुम जाओ अपने घर। अब वो राजा भाई कहने लगा मैं अब तो बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा, क्योंकि वो लालची था, तो धन का बहुत लालची था, इसलिए वो घर बैठा वहां जाकर के अपने राजमहल में, और पत्थर से इसको छुआ उसको छुआ सारी चीजें उसने पूरी की पूरी, राजमहल की पूरी दीवारें सब कुछ, पूरा राजमहल ये चकाचक सोने का बढ़िया चमचमाता हुआ हो गया। उसके बाद उसने जो है खाने के लिए वो बैठा, रोज वो कुछ ना कुछ नया सोचता। एक दिन वो दिमाग में सोचने लगा कहाँ से मेरी टेबल सोने की हो जाए, उसने खाने की टेबल सोने की हो गई, उसने से जहाँ पे रखी सारी वस्तुएं सोने की हो जाएं, तो वो सारा मेज कुर्सी और थाली प्लेट जो थी सब सोने की हो गई, और लोटा गिलास उसने कहा ये भी सब सोने के हो जाएं, वो भी सोने का हो गया। फिर उसने पत्थर हाथ में रखा कि मेरा जो कुछ भी है यहाँ पे सब सोने का हो जाए। पत्थर उसने हाथ में रखा था, वो सारी चीजें सोने की होगी, राजा खाली बचा जिंदा, और उसने जो भी खाए, पानी भी सोने का, खाना भी सोने का, खाना तो नहीं खा लोगे ना सोने का, पानी नहीं पी लोगे, पीते हैं कहीं नहीं पीते, पानी तो पीना ही पड़ेगा। उसको खूब जोर की प्यास आई, हाय मैं क्या करूं, पानी पीने चला, ऐसे गिलास उठाया वो भी सोने का। फिर उसने कहा अभी तो मेरे भूख लग रही, उसने चम्मच उठाई खाने के लिए, वो भी भाई सोने की, अब क्या करे, वो बहुत परेशान। फिर उसने कहा कि भाई भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि इसे मैं जो भी छूता हूँ वो सब सोने को जाता है, मुझे तो जीने के लिए खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, और पीने के लिए पानी की जरूरत है, हर चीज तो सोने की नहीं ठीक होती है, जरूरत के हिसाब से बस थोड़ा सा धन हो जिससे हम जीवन यापन कर सके और लोगों को खुशी दे सके, है ना।
तो इसलिए अब राजा ने माफी मांगी किसान से और किसान को वापस बुला करके पत्थर उसको दे दिया और माफी मांगी। कहा भाई किसान ये पत्थर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, अब हम जैसे थे मुझे वैसे ही बना दो। तो किसान ने ऐसे प्रभु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु जी इनको पहले जैसा बना दीजिए अच्छा, और महाराज जी क्षमा मांग रहे हैं। तो प्रभु जी ने उनकी वाणी सुन ली और कहा कि ठीक है जैसे हो वैसे ही हो जाओगे। उन्होंने राजा को फिर से स्वस्थ बढ़िया बना दिया और जो राजमहल में जो सोने की वस्तुएं हो गई थी उनको फिर से वैसे के वैसे कर दिया। अब राजा ने झट से आते ही झट से गटगट गटगट पानी पिया, कहा अब जान में जान आई, फिर भूख तुरंत तो लगी ही थी, झट झट उठा के दाल चावल सब्जी सब कुछ खाने लगे, तब पेट भरा, कहा अब जाके तसल्ली हुई, नहीं तो हम तो बहुत परेशान हो गए। तो बच्चों ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए ना, राजा जी की तरह लालच करोगे तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग अच्छे बच्चे हो। सबको समझ में आ गई कहानी है ना? तो लालची राजा की कहानी यहीं पे फिनिश होती है और फिर हम कल दूसरी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।